आपने अपने मोबाइल में जीपीएस तो जरूर यूज किया होगा, लेकिन क्या आप नाविक के बारे में जानते हो, जो इसरो द्वारा बनाया गया भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है? अगर नहीं जानते हो तो ध्यान से सुनो। साल 1990 में जब पाकिस्तानी आर्मी हमारी आंखों में धूल झोंक कर कारगिल की चोटियों में कब्जा करके बैठी हुई थी, तब इंडियन आर्मी ने यूएसए से जीपीएस डेटा मांगा था ताकि वो इस डेटा का यूज करके दुश्मनों की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकें। लेकिन क्या यूएसए ने जीपीएस डेटा दिया? नहीं, हर बार की तरह यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसकी वजह से हमने अपने 527 जवानों को खो दिया। अब इस घटना के बाद इंडियन गवर्नमेंट को समझ आ गया था कि ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के लिए इंडिया को अपना नेविगेशन सिस्टम बनाना होगा। फिर क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसरो ने साथ मिलकर ये काम करके दिखा दिया। लेकिन क्या नाविक जीपीएस से बेहतर है? कंपैरिजन की बात करें तो जीपीएस 24 सैटेलाइट का यूज करता है जबकि नाविक सिर्फ 8। जीपीएस 20 से 30 मीटर की एक्यूरेसी प्रोवाइड कर सकता है जबकि नाविक 5 मीटर तक की एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। सबसे खास बात, नाविक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि सिर्फ मिलिट्री यूज कर सकती है। मतलब अब मिलिट्री दुश्मनों को चुन चुन कर मारेगी। बस एक दिक्कत है, नाविक L5 फ्रिक्वेंसी में काम करता है और आजकल के ज्यादातर स्मार्टफोन L1 फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करते हैं। हालांकि क्वालकॉम L5 सपोर्टेड चिपसेट लॉन्च कर चुका है, तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपने मोबाइल में स्वदेशी GPS यूज करोगे।